यहाँ पे रखा हुआ था छाप जो हम लोग दुल्हन को चढ़ाते हैं, हमारे तरफ से कपड़ा, ज्वेलरी, जो भी एसेसरीज, पर्स, कॉस्मेटिक, जितना भी चीज चढ़ा। दिखाओ जूते। एम आसानी तो ना मड़े दिया था, यहाँ पड़ा था, खुले में पड़ा था पूरे 5 मिनट। अब वो तुम लोग ने ध्यान नहीं दिया। जैसे कि मैंने बताया कि लेट नाइट शादी थी, तो हम सिर्फ फैमिली मेंबर्स, घर के ही लोग थे शादी में, बाकी सब गेस्ट तो चले गए थे, बिकॉज फुल नाइट तो कोई भी नहीं वेट कर सकते। और यहाँ जूते चुराए जाने की वही कोशिश हो रही थी लड़की वालों की तरफ से, और लड़के वाले के हाथ में जूते हैं, यही सब मस्ती चल रही थी। शादी में ये सब रस्म ना हो तो मज़ा नहीं आता है। पड़ी न जाए तो लेने रहा से हमारा निपट लेंगे हम लोग फिर। अगर लड़की है तो लड़के बहुत है हमारे यहाँ। चप्पल निकाल दोष हरि हर अर्धम श्री लक्ष्मी नारायण Thank you.
दशस्यभ्यो नमः स्वाहा इदं दशासेभ्यो नमः ओम रत्नांतरेभ्यो नमः स्वाहा इदं रत्नांतरेभ्यो नमः ओम प्रजापतिः इन्द्रः गणिवरुणो अज्ञेनां देवः तस्माय यज्ञं सर्वभूतः स्वाहा इदं ऋजं मातः भ्यो नमः यथा दिव्यं सर्वैर्ब्राह्मणोऽस्येवं क्षत्रादिभिः कर्मणां दिव्यहूत्यं स्वाहा इदं वायवे नमः भ्यो नमः यथा प्राणकवचं भवतः वारणं कृत्वा अतर्शान्तिवारणं शान्तिः शान्तिः ओं वायु परीक्षतेभ्यो यथा ब्रह्मस्मिने छत्रं देवते कर्माणि देवहूत्यं स्वाहा इदं नो नमः। दुनिया के सब तीरथ झूठे आदमी सब इनको बोलने देखो धर्म किससे होता है ठीक है दूसरा यदि कुटुंब रक्षा भरणे यदि
कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं कुर्या पत्नीनां परिपालनं च मामाङ्गयामि तदा त्वदीयं भासेत कन्या वचनं द्वितीयम्। यहाँ पे पंडित जी सात वचन के मतलब समझा रहे थे, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया था, सबको बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से सुन रहे थे। आप सब भी सुनिए, इसलिए मैंने इस ब्लॉग में म्यूजिक कम डाला है और वॉइस ओवर भी कम डाला है। कहाँ गए? कोई मतलब नहीं, मगर इसका कहना है चाचा ताऊ फूफा फूफी मामा मामी सबके सुख दुख में आपको दौड़ करके जाना होगा। आपके 360 दिनों का एक वर्ष होता है, तीसरा वचन है भाई, 360 दिनों का हमारे हिंदू कैलेंडर से और मलिक मतलब अंग्रेजी तारीख के हिसाब से 365 दिनों का एक वर्ष होता है, उसमें 15 दिन पितृपक्ष के आते हैं, ठीक है। देवालय मतलब भगवान की पूजा में दाहिने और पितरों के तर्पण में मेरे को बाएं। रावण ने एक बार सीता का हरण किया, नहीं एक आज पकड़ करके जाओगा ये दोनों अपने जो करे स्थापना के लिए जाएंगे ना घर कोई पकड़ करके जाएंगे ये लोग दोनों पकड़ेंगे हम लोग देहात के आदमी है भाई, कहीं आशीर्वाद देते हैं कि दूध हो नहाओ अरे फूल नको वृंदावन ये तो दीदी ले। सो गाइस बस अब आ गई बारी मांग में सिंदूर भरने की। सो फाइनली शादी पूरी हो गई, मांग में सिंदूर भी भरा गया, इसके पहले वाले क्लिप में मंगलसूत्र भी पहना दिया गया, फेरे भी हो गए। सो फाइनली इनकी शादी कंप्लीट हो गई। इस टाइम कुछ रस्म थी जिसमें जो जीजाजी होते हैं मतलब जी नंदोई जो नंदोई होते हैं वो दुल्हन को चुन्नी उड़ाते हैं। हमारे भाभी के साइड में कुछ ऐसी रस्म होती है। सो नंदोई तो एक लौते नंदोई है, सो रौनक, सो वही वो रस्म कर रहे थे कि दुल्हन को चुन्नी उड़ाने की रस्म होती है कुछ। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आगे भी शादी के थोड़े से ब्लॉग बचे हुए हैं वो मैं डालने वाली हूँ।
सो गाइस अब आते हैं मेरे बारी। जैसे कि जो गठबंधन होता है शादी का, उसको बहन के द्वारा ही बांधा जाता है और मैं इकलौती बहन हूँ इकलौते भाई की। सो अब मेरा रोल प्ले करने का टाइम आ गया था, तो मैं आ गई थी। इस टाइम मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। सबसे पापा थोड़ी देर के लिए मेरे ससुर जी ने शिवाई को रखा था कीर्तन, और तन्मय भाई मेरे देवर देवरानी ने रखा था। थोड़ी देर रौनक थे इसलिए मुझे थोड़े क्लिप्स लेने के मौके मिल गए, और कुछ कुछ क्लिप्स वो सब ने भी लिए हैं, मेरे देवरानी ने, मेरे देवर ने, रौनक ने, मेरे कज़न सिस्टर लोग ने। सो थैंक यू आप सबको कि ये वीडियो कंप्लीट करने में मुझे हेल्प मिला, क्योंकि शिवाई की तबीयत ख़राब थी तो मैं ऑलरेडी उसको लेके वो रूम में सोया हुआ था, मैं उसके साथ बैठी हुई थी, मैं बीच बीच में आ रही थी शादी अटेंड करने के लिए। पापा चाहिए? थैंक यू। जूते आ गए दीदी, जूते आ गए दे दो सामने, आपको दो या उनको दे? मैं तो आपको देने आ रही थी, इसको ना भाभी ने चीटिंग कर दी। आप उनको दीजिए, पहला जाओ छे ना, पहले पहनने तो देना, चीन चांदी करने स्टार्ट दी। एक मिनट पहला बेसिक दे देना तीनों बेसिक। सो अब आती है जीजू और उनकी साली जी की रस्म। जैसे कि भाई की साली है, साली जी हैं, सो बस वो जूते पहना रही थी और उनको उनके रस्म की जो वो होता है गिफ्ट, वो उनको दिया जा रहा था। इसके पहले भी एक रस्म हुई थी कि शादी के बाद भाई और भाभी दर्शन करने के लिए अंदर उनका जो पूजा हो वहाँ जाते हैं, तो वो अंदर जाने के लिए भी उनको कुछ अपनी सालियों को गिफ्ट देना होता है। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं शिवाई को लेकर उस टाइम बैठी हुई थी, वो सोया हुआ था। वहाँ पर भी सालियों को गिफ्ट दिया जाता है, तब वो जाने देते हैं अंदर। सो गाइस आगे के वीडियो देखने के लिए कंटिन्यू रहिए।